धमतरी में रविवार की दोपहर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुरुद पहुंचे, जहां कुरुद में आयोजित चंद्रनाहु कुर्मी छत्री समाज के 50वें केंद्रीय महाधिवेशन में शामिल हुए। इस दौरान समाज के लोगों ने सीएम भूपेश बघेल का जोशीला स्वागत किया। वहीं मंच में सीएम भूपेश बघेल के साथ महासमुंद विधायक विनोद चंद्राकर, सिहावा विधानसभा क्षेत्र के विधायक लक्ष्मी ध्रुव, इनके साथ कुर्मी समाज के पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर समाज के लोगों ने सीएम भूपेश बघेल के समक्ष एक मांग पत्र रखी है, जिसमें प्रमुख रूप से कुरुद में भवन निर्माण के लिए तो वहीं राजधानी रायपुर में भी भवन की मांग रखी है। इसके अलावा चंद्राकर समाज के महापुरुष स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर जी के नाम से नामांकन करने, साथ नए राजधानी में सभी समाज के लोगों को रुकने की व्यवस्था बनाने की मांग किए हैं। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने मंच को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के निर्माण में चंद्राकर समाज का बहुत बड़ा योगदान है। वहीं कांग्रेस सरकार के द्वारा किए जा रहे कामों को लेकर बताया, साथ ही नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी को सहेजने और सुरक्षित रखने की बात की। इसके अलावा किसानों को किए गए वादों को पूरा करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा समाज के लोगों ने सीएम को मांग पत्र दिए हैं, जिसको जल्द पूरा करने की बात की है। सभी किसान को बोनस देकर किसान के आर्थिक स्थिति को ऊपर किए, इसलिए हम सब पूरे समाज, कुर्मी समाज ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़िया समाज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं उनके नेतृत्व में जो कार्य हो रहा है। मांग तो सामाजिक रूप से हमने इस भवन के संदर्भ में भी मांग इसके के लिए कुरुद चंद्राकर समाज के भवन के लिए रखे, और हमारे केंद्रीय समाज में जहां भवन बन रहे हैं उनके लिए रखे, और नई राजधानी में हमारे समाज के महापुरुष स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर जी के नाम से नामकरण करने के लिए, और हमारे समाज को नई राजधानी में जगह देकर और सभी समाज को जगह देकर गरीब व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए या उनको रुकने के और उनको उनके उसके शैक्षणिक रूप से और इसमें मतलब आर्थिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति है उनको रुकने के लिए व्यवस्था बनाई जाए। आज समाज के चंद्राकर समाज के कार्यक्रम में आने का अवसर मिला। छत्तीसगढ़ के निर्माण में चंद्राकर समाज का बड़ा योगदान है। साहित्य और कला के क्षेत्र में एक से एक विभूति निकले जिन्होंने छत्तीसगढ़ी साहित्य और छत्तीसगढ़ी भाषा और छत्तीसगढ़ी लोकगीत लोक संगीत क्षेत्र में बहुत काम किया। राजनीतिक क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान रहा है।